हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द लाल गेम। तो कैसे हो आप लोग, हो क्या आप लोग बढ़िया होंगे? मैं आगे बढ़िया ना। तो आज की स्ट्रीम में हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका बनी पैन था, मतलब क्या ही बोले, जो आपका बनी वाला बंडल था वो इस समय इन गेम में रिटर्न में आ चुका है, मतलब बिना एक्सपेक्टेड था जो रिटर्न में इस समय आ चुका है आपको इन गेम में। इसके बारे में बात करेंगे, कब तक आपको इसके ऊपर 50% ऑफ डिस्काउंट देखने को मिलेगा इनक्यूबेटर वाले सेक्शन में। साथ ही बात करने वाले हैं कोबरा एमपीओडी को लेकर कुछ अपडेट्स को एंड गाइस। साथ ही में बहुत सारे जो है ओल्ड ओल्ड चीजें जो है रिटर्न में आने वाली है, साथ में कुछ न्यू इवेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो डेली की तरह इंटरेस्टिंग है गाइस, धमाकेदार होने वाला है। तो जितना वीडियो देखना हो जरूर से पहले वीडियो को लाइक कर जाए, बट यार गाइस जरूर से इस समय आप लोग यहां चैनल पे देखोगे तो 5.41 के सब्सक्राइबर। तो प्लीज यार जितने लोग भी न्यू आते हो सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो देखते लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं करता तो सब्सक्राइब कर दिया करो। एंड गाइस बात करते हैं पिछली वीडियो में सबसे पहले टॉप 3 में कितने लोगों ने कमेंट किया था। तो गाइस सबसे पहले हम लोग यहां पे क्या ही बोले, प्रणव भाई ने कमेंट किया था एंड गाइस उसके बाद हम लोग के जाकिर भाई ने कमेंट किया था, थर्ड में हम लोग के साइज भाई ने कमेंट किया था। तो जितने लोगों ने कमेंट किया था टॉप 3 में उन लोगों को बहुत-बहुत थैंक्स। एंड गाइस आप लोग चाहते हो अगर मैं आपका नाम तो आपने वीडियो में तो जल्दी फटाफट से जाके कमेंट कर दीजिए। तो भाई चलिए बाकी सब बातों को साइड रखते हैं एंड वे टाइम इसके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं कोबरा एमपीओडी की न्यूज को लेकर कि कोबरा एमपीओडी क्या हम लोग के इंडिया सर्वे रिटर्न में देखने को मिलेगी या फिर नहीं। एंड गाइस क्या सीन हो रखा है, वैसे इस समय ईवो जो है गन्स भर भर के रिटर्न में आपको देखने को मिल जा रही है, ठीक है। अब इसी प्रेजेंट में ही आपको ईवो यूएमपी जो है रिटर्न में देखने को मिलेगा। तो मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग का केवल ईवो यूएमपी ही नहीं, जो आपका ईवो बंडल था वो भी आपको रिटर्न में देखने को मिलने वाला है। एंड गाइस बात कर ले अगर यहां पे कोबरा एमपीओडी के बारे में, तो कोबरा एमपीओडी को लेकर एक डेट कंफर्म हुआ है, प्रेडिक्शन के हिसाब से आपको 12 तारीख या फिर 10 तारीख को इसी मंथ में देखने को मिल सकती है। एंड गाइस बाकी बात कर ले कोबरा जो बंडल था कोबरा वाला, तो वो अभी रिटर्न में आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट गाइस जो हम लोग का बोया वाला बंडल था वो आपको इस मंथ, एंड गाइस वैसे यूएमपी तो आ ही चुकी है, ठीक है, बोया को लेकर, तो वो दोनों चीजें जो है इस मंथ में आपको रिटर्न में देखने को मिलने वाली है। एंड गाइस आप लोग को बता दूं जो आप लोग का कोबरा एमपीओडी है वो भी आपको 12 तारीख तक देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस बात कर ले इसके नेक्स्ट ईवो गन जो आपको रिटर्न में देखने को मिलने वाली है, वो आप लोग का होने वाला है ईवो M187, जो कि अभी कंफर्म नहीं हुआ है 100%। बट गाइस डाटा मंडल्स की तरफ से लीक्स निकल के आए कि आपको ये वाला जो है नेक्स्ट ईवो गन रिटर्न में देखने को मिल सकता है, जो हम लोग का ईवो MP40 है उसके बाद, ठीक है। तो गाइस बात करते हैं अगर हम लोग का ईवो M10 का जो स्किन है कब तक आपको इंडिया सर्वे रिटर्न में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस इसको लेकर जो डेट बताया जा रहा है 19 से 18 तारीख को आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब जैसे ही हम लोग का कोबरा, सबसे पहले यहां पे आपका ईवो UMP आया था, उसके बाद हम लोग का आने वाला है कोबरा MP40। एंड गाइस जैसे ही कोबरा MP40 जाएगा उसके बाद आने वाला है आपका ईवो M10 एकदम से, मतलब क्या ही बोले, लगातार 3 के 3 जो गन्स हैं वो आपको रिटर्न में देखने को मिल गए। एंड गाइस इसको लेकर जो है यही डेट कंफर्म हुआ, तो गाइस मैंने आप लोग को बता दिया। एंड गाइस होप आप लोग यहां तक वीडियो देख रहे हो तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दो अगर आप लोग ने अभी तक नहीं किया है, एंड चैनल पे नहीं हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो। इसी तरह आपका भाई आप लोग को डेली अपडेट देता है तो जरूर से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक छोटी सी न्यूज देना चाहता हूं जो कि फ्री फायर को लॉस को लेकर है। वैसे आप लोग को पता होगा इंडियंस की पावर बहुत ही ज्यादा है, वैसे वो लोग चाहे तो किसी भी गेम को टॉप से, मतलब नीचे से बॉटम से टॉप पे पहुंचा सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि टॉप से बॉटम पे भी नहीं ला सकते, क्योंकि आप लोग बता रहे फ्री फायर जब है इंडिया सर्वे इसमें बैन है। एंड गाइस इसको लेकर जो है फ्री फायर का बहुत ही ज्यादा, इतना ज्यादा बड़ा बड़ा नुकसान हुआ है। एंड गाइस इन लोगों ने जो है हम लोग का, मतलब लगभग 3 महीने में इन लोगों ने $1 बिलियन जो इन लोगों का नुकसान हो चुका है, जिसकी वजह से जो हम लोग का बोया का फ्री फायर, मतलब फ्री फायर का जो हम लोग का बोया वाला ऐप था उसमें पहले आप लोगों को बता होगा बड़े बड़े यूट्यूबर्स लाइव स्ट्रीमिंग करते, बट गाइस ऐसा बताया जा रहा है कि जल्दी बोया का जो ऐप है वो बंद होने वाला है। अभी गैंडा की तरफ से ऑफिशियली न्यूज नहीं आया, बट ऐसा वहां से लीक्स निकल के आ रही है कि जल्दी आपका जो वाला ऐप जो है बंद हो जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा जो नुकसान हो रहा है फ्री फायर का बैन होने की वजह से। एंड गाइस पुराने आइटम्स का वापस आने का भी ये भी एक रीजन है कि गरीना का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, तो गरीना सोचिए पुराने आइटम्स देखे हम लोग को लूट ले। बट गाइस इस समय जो है फ्री फायर मेनली मतलब बैन है। एंड गाइस क्या ही बोले, कई लोग जितने लोग भी खेल रहे पुराने प्लेयर, वैसे तो उन लोग गुस्सा हो कि गेम छोड़ भी रहे हैं। एंड गाइस जितने भी न्यू प्लेयर आ रहे हैं वो लोग टॉपअप करने नहीं वाले, इसमें फ्री फायर के कतई लगे पड़े हैं, ठीक है, बहुत ही खतरनाक वाले उन लोग का, मतलब देख रहे हो फ्यूचर बहुत ही खतरनाक होगा। बट इस समय जो है फ्री फायर बैन को लेकर कोई न्यू नहीं है, तो चिंता मत करो आप लोग इजी पीजी खेलो। बट गाइस मैं शुरू ही बोलता था, अभी बोलता हूँ टॉपअप मत करो, टॉपअप करने से कुछ फायदा नहीं है, मजे से बस गेम खेलो, ठीक है, मजे लो, वीडियो बनाता हूँ उसके मजे लो, बस गाइस फ्री वाला आइटम क्लेम करो। तो इसलिए फाइनली वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और मजेदार टॉपिक के बारे में जो कि हम लोग का होने वाला है नेक्स्ट ईवो गन स्किन को लेकर, जो कि आपको जल्द ही इंडिया सर्वे रिटर्न में देखने को मिलने वाली है। बात कर ले कौन सी ईवो गन स्किन होने वाली, तो हम लोग AR-94 का जो है लेकर ये गन स्किन होने वाली है। एंड जब बात कर ले उसके लुक वाइज की, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख लो लुक कुछ इस टाइप का आपको जो देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही मतलब क्या ही बोले हड्डी वड्डी टाइप लगा हुआ है। एंड बहुत ही जहर आपको लुक जो है देखने को मिल जाता है। अब इसके बात करने वाले हैं ऑल लेवल की, एंड कैसा कुछ देखने को मिलने वाला, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो किल इफेक्ट, एंड डैमेज इफेक्ट, फायरिंग इफेक्ट, एंड कुछ इस तरह नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। लेवल 1 लेवल 2 एंड जहाँ पे आप लोग देख सकते हो लेवल 3 में कुछ इस टाइप की देखने को आपको मिल जाएगी, लेवल 4 जाने पे कुछ इस टाइप का अपडेट, लेवल 5 एंड लेवल 6 जिस तरह आपको नॉर्मली आपको अपडेट देखने को मिलता है उसी टाइप का आपको देखने को मिल जाएगा। एंड जब लेवल 7 पहुंचेगा तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल होगा। वैसे बाकी इसका जो इमोट है वो अभी निकल के नहीं आया है, तो गाइस हो सके जो इसका इमोट है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को जरूर से दिखा दूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग को इमोट देखना है तो प्लीज से जरूर से
सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो फाइनली आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वीडियो के मेन टॉपिक के ऊपर की जो आप लोग का इस समय जो गेम में आया हुआ है बनी का बंडल रिटर्न में, उसका जो है 50% ऑफ कब तक आपको इंडिया स्टोर पे देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो गाइस अब मैं आप लोग को पहले पुराने प्रीवियस में ले जाना चाहता हूँ। इसी तरह जो पुरानी MP40 या फिर बहुत सारे आइटम जो है लाइक M10 जो है रिटर्न में आया हुआ था, वो भी 7 दिन के लिए आया था M10 जब इंडिया सर्वर रिटर्न, तो उस समय आपको 50% ऑफ देखने को नहीं मिला था। बट गाइस इस समय अगर आप लोग इंडिया का सर्वर का हाल देखने वाले तो गरीना रहे कमाने के लिए हो सकता हो लास्ट दिन में आपको 50% ऑफ दे सकती है। बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस है कि आपको फ्री फायर का इस बार जो हम लोग का बनी बंडल आया इसमें आपको 50% ऑफ देखने को मिलेगा। तो जितने लोग भी अपने डायमंड बचा के रखे हो लास्ट दिन के लिए बचा के रखो, चिंता मत करो, आपको जो है 90% चांस है कि आपको इसमें डिस्काउंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि गरीना इस समय क्या ही बोले, मतलब कतई जहर वाले उन लोग के लगे पड़े हैं। तो अगर इस समय अगर नॉर्मल प्लेयर ज्यादा नहीं निकालेंगे तो उन लोग 50% ऑफ करके उन लोग जरूर से लालच देने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग जरूर से इसमें स्पिन मत करिए, अगर आप लोग का डायमंड है तो लास्ट दिन के लिए रुक जाइए। बाकी अगर इसको लेकर कोई और भी न्यूज आती है तो मैं आपको जरूर से अपने भाई वीडियो में जरूर से बता दूंगा, तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लो। तो आज की वीडियो बस इतना ही था, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर दिएगा एंड जो बगल बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दिएगा ताकि आप लोग कोई भी इंटरेस्टिंग अपडेट कभी भी मिस ना कर सको। एंड गाइस मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से डायरेक्टली आप मेरे को जाके फॉलो कर सकते हो। कुछ भी बात करना है तो DM भी कर सकते हो, ठीक है? तो जरूर से जाके भाई को फॉलो कर दीजिएगा। तो गाइस आज की वीडियो बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।